उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी जोरों पर हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीकों से लोगों के बीच में आ रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं लालकुआ के निर्दलीय प्रत्याशी पवन चौहान ने विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क के साथ जनसभाएं की। इधर हल्दुचोड़ के डोलिया स्थित प्रगति विहार कॉलोनी हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां पर पवन चौहान ने सुंदरकांड को सुना और इसके बाद निर्दलीय विधायक प्रत्याशी पवन चौहान ने आरती करते हुए भगवान हनुमान से क्षेत्र के विकास और अपने लिए आशीर्वाद मांगा। इधर पवन चौहान ने कहा कि लंबे समय से हल्दुचोड़ क्षेत्र से उनका लगाव और जुड़ाव रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान से उन्होंने शुभ आशीष के साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए प्रार्थना की। चुनाव की सरगर्मियाँ हैं और चुनाव की सरगर्मियाँ आज मेरा सौभाग्य है, मैं भगवान के घर में आया हूँ और मैंने प्रार्थना की है कि जो लोगों की शक्ति मेरे अंदर आई है वो बनी रहनी चाहिए, लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए, मेरा लोगों पर विश्वास बना रहेगा और ये चुनाव हम जीत रहे हैं। मैंने प्रार्थना की प्रभु से कि फिर मेरे को इतनी शक्ति दे, मैं विधानसभा की सारी समस्याओं का निवारण कर सकूँ, हल कर सकूँ। मेरी यही प्राप्ति है, मेरे को यही एक मिला है यश कि मैंने जब भी कोई मिला मैंने निस्वार्थ होकर के काम किया है, वो निस्वार्थ भावना से किया काम आज मेरे काम आ रहा है। आज लोग मेरे को प्यार कर रहे हैं, मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं और इसी की शक्ति के बल पर मैं चुनाव जीतने जा रहा हूँ। भगवान के मंदिर में मेरे को आशीर्वाद मिल गया।